सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, मैंने इसका प्राइस नहीं बताया आपको। इसका प्राइस हमें लगा 500 रुपीज़, ऐसे 550 है। फिर मैंने बोला कि थोड़ा कर दो भाई, तो उन्होंने 500 में बोल दिया और 49 रुपीज़। बाकी आप इंडिया में कन्वर्ट करके देख लो। सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। चेकआउट टाइमिंग 11 AM। तो ये प्यारा सा हैंग आउट करने के लिए हॉल टाइप का बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है। नाइट को मज़ा आएगा लोगों के साथ चील करने में। मीट अ ब्रदर फ्रॉम दिल्ली, वर्सुनी सिद्धार्थ। ओके, नाइस टू मीट यू। मैं इसको खाते जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या निकलते जा रहा है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर लंच। सुबह से खाया हूँ, अभी तो खाया मैं कुछ देर ही पहले, बट अभी भूख मिटा नहीं है। तो ये है यहाँ का सड़कें। स्वागत है आपका पोखरा में। इंजॉय द व्यू, इंजॉय द मोमेंट। सो अभी लंच के लिए आया हूँ। दिस इज वेज मोमोज, चिकन मोमोज। इसका क्या प्राइस पड़ा? 2 समथिंग अराउंड। हाँ, 2 समथिंग अराउंड, 250 आई थिंक। इट्स माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम ईटिंग हल्दी की चटनी। मेरा पहला बार है, इससे पहले मैंने खाया था। वो भी आपने बताया तो मुझे पता चला। I'm shooting this one. Oh, you are doing vlog. Yeah, doing vlog. Hello, what's your name? Sasang Pahari. Shushank? Sasang Pahari. Are you from here, Pokhara? Yeah, Pokhara. Okay, yeah. We channel subscribe. Okay, subscribe. In which class do you read? 6th standard? Yes. A school name? Okay, right now I'm going there, but I will come to meet you, okay? Okay. Please, all of you visit Peshwar Pohara. Okay. Must visit. If you come Pokhara, then must visit his shop. Bye. What's your YouTube name? Traveler Ram. Ah, subscribe. You okay? भाई यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें विजिट करने के लिए पोखरा में। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात मुझे पता चली कि यहाँ पे एक बस चलती है, ठीक है। मॉर्निंग सुबह आपको 8 बजे पिक करेगी और उसके बाद आपको सारी जगह पोखरे में जितने भी प्लेसेस हैं ना, हर जगह घुमाएगी। और उसका जो फेयर है ना, वो नेपाली रुपी में 600 है। तो ये काफ़ी अच्छा डील है, मतलब क्योंकि अगर यहाँ पे साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर कार भी रेंट करते हो तो इसका कॉस्ट बहुत हाई है। साइकिल के बारे में मैंने पूछा, भाई साइकिल क्या है चार्ज? तो उन्होंने बताया कि 1 आवर के लिए 200 पे करने पड़ेंगे नेपाली रुपीज़ में साइकिल का। सोचो, मोटरसाइकिल का 1500-1600 है चार्ज। तो च्वाइस इज योर्स। अगर आपको चील करना तो आप मोटरसाइकिल हायर कर सकते हो, साइकिल हायर कर सकते हो। मनी डजेंट मैटर समटाइम्स, क्योंकि चील करना तो फिर मनी की बात ही नहीं होती। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और प्राइस क्या है, आप ट्रेवल कैसे कर सकते हो। अगर आप कम बजट में ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको ये करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड डू दिस। सो दिस इज़ माई हॉस्टल, पोखरा बैकपैकर्स हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड। ये 5th स्ट्रीट में आता है। सिद्धार्थ पहले आ गया। तो ये बाई साइकिल है और अभी मैं राइड करने जा रहा हूँ। इन्होंने जहाँ मैं स्टे किया हूँ, इन्होंने प्रोवाइड किया है फॉर 2 आवर्स के लिए कि 2 आवर्स आप राइड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी आर राइडिंग। दर्द मेरे तू भुला ही गया, कुछ ऐसा सर हुआ। इधर देखो लेक है भाई। भाई साइकिल राइड करने में मजा आ रहा है एकदम। बट ब्रेक का प्रॉब्लम है। रात को मैं यहीं पे रुका था सिद्धार्थ, नाइट को मैं यहीं पे स्टे किया था। यहाँ पे ना गली नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम लोग जिस गली में, मतलब स्ट्रीट में है, वो 5 नंबर है। इधर 17, अभी कितना आया?
पता नहीं चल रहा है, कहीं लिखा हुआ होगा। दर्द में भी गया कुछ ऐसा जी। अब यहाँ से किधर जाना है? एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। सिद्धार्थ को आने देते हैं। कहाँ जाना है? यहीं पे। एक हाथ से फोन और एक हाथ से बाईसाइकिल। ऐसा ना कि पुलिस देखकर मेरे को चालान काट दे। तू ये क्या कर रहा है? तू या तो साइकिल चला ले या तो फ़ोन चला ले। बोले सर आई एम डूइंग ब्लॉग। पब्लिक का मांग होती है ना ये भाई। इधर ट्रैफिक है बट देखो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, एकदम लाइन में इन्होंने अपना गाड़ी खड़ा किया है। हमारे जैसे नहीं, एक यहाँ खड़ा कर दिया, एक वहाँ खड़ा कर दिया, जैसे हमारे चाचा विधायक हैं। भाई यहाँ भी बहुत लोगों का चाचा विधायक होंगे बट ये रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये रहा मार्केट। देखो यार अब मार्केट का नाम मत पूछना, बस इतना जान लो पोखरा का मार्केट है ये। ये क्या? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। लेग साइड जा भाई, जा जा स्कूल बस को जाने दो, बच्चे सुरक्षित पहुंचे। इट्स ब्लॉगिंग सिद्धार्थ, इट्स अमेजिंग ना, जस्ट सी द व्यू। गो क्या ये बॉनफायर? आ जाओ सिद्धार्थ। हाँ तो अभी हम लोग आए हैं एक स्पोर्ट पे। उस स्पोर्ट इसका नाम क्या स्पोर्ट का? ये स्पोर्ट का कोई नाम नहीं है बट ऐसे चील करने के लिए काफी अच्छा प्लेस लग रहा है देखने में। देखो इट्स गुड। और यहाँ पे कुछ बैठ कर लोग चील करते होंगे यार। ये देखो क्या है, वाह ड्रिंक्स स्पेशल। अच्छा यहाँ पे भी लोगों ने कुछ कुछ बना कर रखा है। भाई इस जगह का नाम सेधी कुछ करके है। बस अगर आप आओगे यहाँ पे पोखरा में तभी उसको बोलोगे सेधी तो आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। काफ़ी ओल्ड तरीके से बनाया गया इसको। ये देखो सराउंडिंग कैसा है इसका, इट्स सो ब्यूटीफुल ना। और काफ़ी स्पेशल ही है, टोटली डिफरेंट दिख रहा है। घास फूस पुआल, मकड़ी का जाल है ना, स्पाइडर। इसका नाम क्या बताया आपने जगह का, स्पोर्ट का नाम क्या है? गेको बार। गेको बार? क्रेजी गेको बार। ओके थैंक यू। क्रेजी कोको गेको गेको। इनसे नाम सुन लो मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या है। थैंक यू। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने कुछ अलग नाम बताया, इन्होंने कुछ अलग नाम बताया। दोनों नाम बता देना आप, लोग पहुँचा ही देंगे आपको। इट्स वेरी गुड। अगर यहाँ पर आओ तो ये विजिट करने आना।
शायद ही कम लोग यहाँ पाते होंगे, पुराने ज़माने का फीलिंग्स आएगा और अच्छा भी। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love. देख भाई तू बच के रह, लोगों का दिमाग खराब हुआ तो तेरे को काट के खा जाएगा, इसलिए तू अपने आप को बचा के रख। ये तेरा साथी है, अपने साथियों को बोल दे छिप छिप के रहे। जा भाई भाग जा उधर। भाई अगर आप पोखरा आते हो नेपाल में तो ये जगह विजिट करना मत भूलना, ये काफी प्यारा है, काफी ज्यादा प्यारा। What a view!